अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उमर अहमद प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको DHA मुल्तान के प्लॉट्स की कटिंग के बारे में बताएंगे और इसके रेट्स के बारे में, जो रेट्स के आजकल रेट्स हैं उसके बारे में बताएंगे और इसकी जो ग्रोथ जा रही है और इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और किन ब्लॉक्स में जो पोजेसन आया है और पोजेसन के बाद जो वहाँ डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। सबसे पहले हम DHA मुल्तान के प्लॉट्स की कटिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग जो है वो दी गई हैं। और इसमें जो 10 मरले के 5 मरले का प्लॉट है उसकी जो रेट्स हैं वो आपको 32 लाख से लेके 40-41 लाख तक मिलेंगे एज़ पर लोकेशन। इसमें 8 मरला जो है वो 50 लाख से लेके 50 लाख से लेके 70 लाख तक जो है वो एज़ पर लोकेशन जो है आजकल उसकी अगर अच्छी अप्रोच हो तो 73-73 लाख तक इसका जो है डिमांड की जा रही है। इसके बाद कनाल जो है, कनाल की कटिंग जो है वो इसमें जो प्लॉट्स हैं वो लोकेशन के एतबार से इसको कोड किया जा रहा है। जैसे एल ब्लॉक है और एक्स ब्लॉक है, इसमें जो 85 से लेके 110-120 तक जो है रेट वो डिमांड की जा रही है। और जो एम ब्लॉक है और एच ब्लॉक है जो इसमें पोजेसन आ चुका है तो इसके जो प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 60-70 लाख तक जो है वो अप्रोच कर चुके हैं एज़ पर लोकेशन। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का काम DHA मुल्तान में बहुत तेज़ी से जारी है और इसमें जो है बहुत DHA जो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा प्योरिटी पे जो है वो DHA मुल्तान को देख रहा है, क्योंकि हर हफ्ते या 10 दिन बाद इसमें वो कोई चीज़ जो है वो अनाउंस करते हैं, लॉन्च करते हैं, कोई सेक्टर की डेवलपमेंट या सेक्टर या इसके अलावा जो पोजेसन देना है जहाँ। और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है जो मैंने और किसी DHA में नहीं देखा। इसके अलावा यहाँ जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी गई हैं इसमें ज़ू दिया गया है जो कि बहुत जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ज़ू है और ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है लोगों के लिए। इसके अलावा जो गोल्फ़ कोर्स दिया गया है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का गोल्फ़ कोर्स, गोल्फ क्लब दिया गया है और इसे बहुत खूबसूरत बनाया गया, डेवलपमेंट उसकी बहुत ज़बरदस्त है जिसकी वजह से लोगों की अट्रैक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है और प्लॉट जो हैं वो मिल नहीं रहे, प्लॉट आलमोस्ट बुक हैं या जिनके हैं वो होल्ड कर चुके हैं। इसके अलावा उसमें जो पार्क्स दिए गए हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी की गई है और इसमें विलास वगैरह जो बनाए गए हैं उनमें काफ़ी लोगों की रिहाइश भी है, वहाँ वो लोग रह रहे हैं। और एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक में भी बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं और लोग जो है मूव कर रहे हैं। एम ब्लॉक जो कि काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, 100 से ज़्यादा घर बन गए हैं और अब वहाँ लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रोच की बात करें तो DHA मुल्तान की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जब आप मुल्तान शहर से जब आएँ तो बोसान रोड है, उसमें मेन रोड से तो सीधा DHA को अप्रोच करता है और उसमें जब आप जिना गेट है उससे एंट्रेंस होते हैं तो उसकी एंट्रेंस वो है बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन बनाई गई है। इसका जो मेन ब्लोआर्ड है वो काफ़ी बड़ा 300 फिट का ब्लोआर्ड दिया गया है और बीच में ग्रीन बेल्ट है और सेंटर साइड पे उसके जो प्लॉट्स हैं वो कटिंग्स दी गई है। इसके अलावा इसमें जो है फाउंटेन्स, पार्क्स है वो बहुत खूबसूरती शो कर रही है इसकी। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो DHA मुल्तान की जो इस वक्त टाइम है वो इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि 2022 तक या इसके मिड में या 3-4 महीने तक इसका जो प्लॉट्स हैं वो 2 करोड़ तक रीच कर जाएंगे। अब इस वक्त अगर प्लॉट है 1 करोड़ 20-30 या 40 लाख का भी अगर है तो उसमें इन्वेस्ट आप करें तो वो 6-7-8 महीने तक वो 2 करोड़ तक अप्रोच करेगा, जिससे आपको एक अच्छा गेन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट दोनों तरह की इस वक्त चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो है ओवरसीज़ इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो जनूबी पंजाब से हैं वो अपना घर भी DHA मुल्तान में ही बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ओवरसीज़ में बहुत ट्रेंड बन चुका है जो कि वो DHA मुल्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको DHA मुल्तान के बारे में जो न्यू अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।